करेले की सब्ज़ी तो आपने बहुत खाई होगी। आज मैं जो करेले बताने वाली हूँ, आपने स्टफ्ड करेले खाए होंगे, काट के सब्ज़ी भी बनाई होगी, लेकिन आज जो मैं सब्ज़ी बताऊँगी आपको, इसे बच्चे भी खाएंगे, ये कड़वी भी नहीं लगेगी और बहुत ही टेस्टी है ये सब्ज़ी। तो चलिए बना लेते हैं इस सब्ज़ी को। और साथ में एक बात और बताना चाहूँगी मैं आपको कि करेले हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। जब भी आप करेले लें तो इस तरीके से हरे हरे करेले लें। देखिए ये हरे से अच्छे रहते हैं, ताज़े एकदम करेले। इसे मैंने अच्छे से एक घंटे पानी में भिगो दिया था और ये सूख भी गए हैं, और मैंने इसे एक घंटे पानी में भिगो के अच्छे से धो लिया, क्योंकि इसके अंदर जो ये रहता है ना, इसमें मिट्टियाँ अंदर अंदर घुसी रहती हैं, तो अच्छे से धो लीजिए दो तीन पानी से इसे। और अब हम इसे छील लेंगे, इसे हल्का ही छीलिए, छिलनी से मत छीलिए, बल्कि चाकू से ही खुरच के ही अच्छे निकल जाएगा ये। तो देखिए सारे करेले मैंने छील लिए और काट भी लिए हैं, और एक करेला थोड़ा पका सा निकल गया था, तो उसका बीज देखिए लाल है, लेकिन वो अंदर से अच्छा रखा था, ख़राब नहीं था, तो मैंने बीज निकाल दिया और उसे भी काट लिया है। करेला काटते समय ये ध्यान रखिए, जब जब आप इसे छीलें तो बस इसे हल्का सा ऐसे खुरचना है आपको, छिलनी से नहीं छीलना है, हल्का सा ऐसे खुरच के निकाल दीजिए, ज़्यादा बिल्कुल भी ना छीलें। ये देखिए मैंने कैसे छीला है, कहीं कहीं छिलका भी हल्का हल्का दिख रहा है, ये देखिए इस तरह का से छीलना है, एकदम ऐसे ज़्यादा नहीं छीलना, बस ऐसे हल्का सा इस चाकू से आपको ऐसे खुरचना है। करेला जो है हार्ट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि जो फैट होता है वो हार्ट के धमनियों में जम जाता है, जो ख़राब फैट होता है धमनियों में जमने का डर रहता है, तो जो करेला होता है ये जमने नहीं देता फैट को, आर्टरीज में जो हार्ट की आर्टरीज होती हैं उसमें जमने नहीं देता, तो ये हमारे हार्ट में हार्ट अटैक से भी बचाता है, हार्ट अटैक की जो संभावना होती है उससे भी हमको बचाता है। तो सारे करेले हमने काट लिए हैं और इसे हम एक बाउल में, बड़े से बर्तन में रख देते हैं, ये देखिए। अब इसमें डालेंगे एक चम्मच नमक, और नमक डाल के इसे मिला के एक घंटे के लिए रख देंगे। जब भी आप सब्ज़ी बनाएं तो बस नमक डाल के इसे रख दें और एक घंटे के लिए ढक के रख दीजिए, उसे फिर हम साफ़ पानी से फिर एक बार धो के फिर इसे बनाएंगे। तो इसे ढक के रख दीजिए अच्छे से करेले को, और ये जो छिलके हैं इन्हें बिल्कुल मत फेंकिए, ये डायबिटीज़ पेशेंट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। वैसे तो सभी लोग इसको पी सकते हैं, करेले के रस को थोड़ा सा पीजिए, ज़्यादा नहीं तो एक दो चम्मच छोटा चम्मच से पी लीजिए, पर ये किडनी को भी हमारे शुद्ध करता है, मतलब खून को साफ करने का गुण होता है इसमें, तो ये हमारे रक्त को भी शुद्ध करता है, तो इसे ज़रूर खाना चाहिए, सभी को खाना चाहिए, बहुत फ़ायदेमंद होता है ये। इसका रस बनाने के लिए इसे आप थोड़ा सा पानी डालना है इसमें, आप चाहो तो इसे बीज निकालना और निकाल लीजिए, नहीं वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें पानी डाल के और मिक्सी के जार में इसे पीस लीजिए और फिर इसे छान के आप दे सकते हैं। तो देखिए करेले में नमक डाल के एक घंटा हो गया था, और ये देखिए एकदम सॉफ्ट से हो गया नमक डालने से ये, और ये हल्का सा इसमें पानी भी निकल रहा है, ये देखिए आपको दिख नहीं रहा होगा, ये देखिए टपक रहा है, तो ये जो पानी है इसे हम निकाल देते हैं, इसमें डालते हैं साफ पानी पहले, और इसे एक बार धोएंगे, ज़्यादा नहीं धोना है, हल्का सा कड़वापन करेले में रहता है लेकिन वो अच्छा लगेगा, तो ज़्यादा नहीं करना है इसे, बस एक बार धो लीजिए और इसे अच्छे से दबाना ऐसे, और इसे एक प्लेट में रखते जाएंगे। और ये जो पानी बचेगा इसे हम छान के
डायबिटीज़ पेशेंट हैं अगर उनको दे सकते हैं या हम खुद भी पी सकते हैं। तो ये हमारे घुटनों में दर्द है, हर तीसरे चौथी महिलाओं को हमारे यहाँ अधिकतर देखा होगा आपने घुटनों का दर्द रहता है, तो ये हमें ज़रूर पीना चाहिए। तो ये फ़ायदा करता है, इसे पी सकते हैं हम। इसे छान लेंगे पानी को और इसे पी सकते हैं अच्छे से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं करेली की सब्जी बनाना। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है कि तीन बड़े साइज के प्याज थे ये मैंने ऐसे लंबे लंबे काट लिए हैं, पतले पतले लंबे लंबे काट लीजिए, ये बहुत अच्छे लगेंगे इस तरीके से कटे हुए। और साथ में 6-7 कली लहसुन था उसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। और गैस पे चढ़ा दिए हमने कढ़ाई, तो 2 चुटकी करीब हम डाल देंगे हींग, 1 छोटा चम्मच राई, तेल गरम हो गया था हमारा, और 1 चम्मच डाल दिया जीरा। ये चम्मच जो है खाने वाली चम्मच इसी से लिया है हमने। अब डालेंगे प्याज, तो देखिए प्याज को भूनते हुए 2 मिनट हो गया है। और अब हम डाल देते हैं ये लहसुन बारीक कटे हुए, साथ में डाल देंगे 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, तो देखिए प्याज हमारा भुन गया है। और अब डाल देंगे हम ये करेले, शुरू में वीडियो जो है आ नहीं पाई थी, उसमें आवाज़ नहीं आ पाई, तो मैं आपको बता देती हूँ कि शुरू में जो तेल डाला था हमने इससे हमने 2 चम्मच डाला था, ये बड़े चम्मच से 2 चम्मच। करेले को अच्छे से मिला लिया हमने प्याज में, और अब जो है 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे। आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच है धनिया पाउडर, 2 चम्मच है सारे मसाले अच्छे से मिला लीजिए। और फ्लेम जो है लो ही रखिए, लो फ्लेम में इसे अच्छे से पकने देंगे। एक चम्मच डालेंगे नमक, फ्लेम लो रखना और इसे धीरे बीच बीच में चलाते रहेंगे। अभी इसे ढक देते हैं और बीच में इसे चलाते रहना है जिससे ये जले ना। तो देखिए करेले की सब्जी बिल्कुल तैयार, पक गई, एकदम कुरकुरे क्रिस्पी करेले तैयार हो गए हमारे। तो अब क्या करेंगे, हम इसमें डालेंगे 2 बड़े जो चम्मच था मैंने दिखाया था आपको, उसी चम्मच से 2 टेबल स्पून जो करीब है सौंफ। सौंफ को मैंने तवे में भून लिया था और भून के मैंने इसे दरदरा मोटा सा पीस लिया है। इससे करेले की सब्जी का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है और जो उसमें कड़वापन होता है ना वो कम हो जाता है, क्योंकि सौंफ में मीठा स्वाद होता है। सौंफ का फ्लेवर जो होता है वो मीठा होता है हल्का सा। 1/2 चम्मच डाल देते हैं कश्मीरी लाल मिर्च, 1 छोटा चम्मच डालेंगे अमचूर पाउडर और इसे मिला देंगे। अगर आप अमचूर पाउडर नहीं डालना चाहते तो इस समय केरी आ रही है बहुत अच्छी, तो 2 चम्मच इसी चम्मच से केरी को कद्दूकस करके डाल सकते हैं आप। इस समय इस स्टेज में आप केरी को भी डाल सकते हो।
तो ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इससे। केरी से भी क्या होता है कि करेले में खट्टापन आएगा और कड़वापन थोड़ा सा कम हो जाएगा। इसे मिला लेते हैं, बस अब इसे 2 मिनट और भून लेंगे, मिला लेंगे सारे मसालों को ये अच्छे से। करेले की सब्ज़ी जब इस तरह से क्रिस्पी बनती है, कुरकुरी बनती है, तो इसका जो कड़वापन है कम हो जाता है, और हल्का सा जो कड़वापन होता है तो टेस्टी लगती है सब्ज़ी। इसे ज़रूर बनाइए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, फैमिली में शेयर कर दीजिए। ये बहुत ही फ़ायदेमंद सब्ज़ी है, इसे ज़रूर बनाइएगा, बच्चे भी खाएंगे, और ये दाल चावल से बहुत अच्छी लगती है। दाल चावल हो और रोटी है, उसके साथ बहुत अच्छी लगती है, तो इसे ज़रूर बनाइए, और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कैसी बनाई है आपने, आपको कैसी लगी ये सब्ज़ी। इस सब्ज़ी को बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि तेल हमने ज़्यादा डाला नहीं, और धीमी आंच में हमने इसको चलाते हुए भूना है, इससे थोड़ी सी क्रिस्पी बनती है। 15 मिनट करीब मुझे इसे ढक के बार बार चलाया मैंने, तब ये बन गई है। बहुत ही टेस्टी लगती है, ज़रूर बनाइए, और आप चाहें तो इसमें आधा नींबू का रस भी निचोड़ सकते हैं, इससे भी इसमें थोड़ा सा कड़वापन कम होगा और बच्चे इसे अच्छे से खाएंगे। गैस को कर देते हैं बंद और इसे प्लेट में निकाल देते हैं। तो देखिए हमारे क्रिस्पी करेले बिल्कुल तैयार हैं, बहुत ही टेस्टी बने हैं, ज़रूर बनाइए, और इसे आप दाल चावल से खाइए, बहुत ही मज़ा आता है इसे दाल चावल से खाने में। रोटी से भी खा सकते हैं आप, पराठे, पूड़ी, और करेले की सब्ज़ी आप 2 दिन तक बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। गर्मी का टाइम है और सब्ज़ियाँ ख़राब हो जाती हैं, आप इसे सफ़र में भी ले जा सकते हैं, कहीं जाएं तो सफ़र में आप इसे लेके जा सकते हैं, तो सब्ज़ी ये ख़राब नहीं होती है जल्दी, तो इसे ज़रूर बनाइए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।